नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार ठाकुर। दोस्तों, UGC की गाइडलाइंस का इंतज़ार हर एक स्टूडेंट, पूरे देश का हर एक स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स बहुत बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक UGC की गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। लेकिन UGC की गाइडलाइन जारी होने के पहले एक अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसमें यहाँ बोला गया है कि जो बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मैं ले चलता हूँ उस न्यूज़ की ओर। उस दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ABP न्यूज़ का लाइव अपडेट चल रहा है। ठीक है ना, लाइव अपडेट में यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर पढ़ के सुना देता हूँ आपको मैं। UGC गाइडलाइन लाइव अपडेट्स। ऑनलाइन प्रणाली पर दिया जा सकता है जोर, अगस्त सितंबर में होनी थी नए सेशन की शुरुआत। ठीक है, आगे चलते हैं। UGC गाइडलाइन जल्द जारी हो सकती है, इसके बाद ही पता चलेगा यूनिवर्सिटी की फाइनल एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। ठीक है ना, उसके बाद में जिस अपडेट की मैं बात करने वाला था उस अपडेट पर चलते हैं। आगे चलते हैं, देखिए यह है दोस्तों वह अपडेट, 5 जुलाई 2020। ठीक है ना, ऑनलाइन प्रणाली पर दिया जा सकता है जोर। UGC गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई है, पर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नए नियमों में ऑनलाइन शिक्षा पर पहले से भी ज़्यादा जोर दिया जाएगा। कोरोना के इस माहौल में ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन परीक्षा ही एकमात्र विकल्प दिखाई देता है। कम से कम स्टूडेंट्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इनका ही प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों, यह थी वह अपडेट। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर यह बताया गया है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वह ऑनलाइन कंडक्ट किए जा सकते हैं। अभी तक UGC की गाइडलाइन तो आई नहीं है, लेकिन एक ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे कि जो अभी जो क्लासेस हैं वहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, है ना, जो ऑनलाइन जो ऐप्स होते हैं अपने, जूम है या फिर गूगल मीट है, इस टाइप के जो भी ऐप्स होते हैं उनके माध्यमों से जो है क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट की जा रही थी। लेकिन अब यह अपडेट निकल के आ रही है कि UGC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यह हो सकता है कि जो बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं वह ऑनलाइन कंडक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगी। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, जो मैक्सिमम जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कंडक्ट होते हैं वह होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो क्वेश्चंस होते हैं वह ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होती हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं, बहुत सारे कोर्सेस होते हैं जिसमें थ्योरिटिकल्स एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती हैं, मतलब जो एग्ज़ाम होते हैं लिखित में होती हैं, ऑब्जेक्टिव वाले नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि जिस टाइप से बच्चों की जो क्लासेस है ऑनलाइन कंडक्ट की जा रही हैं, जिसमें जूम का यूज किया जा रहा है या फिर गूगल मीट है और बहुत सारे ऐप्स हो सकते हैं, किसी भी ऐप से जो है ऑनलाइन क्लासेस जिस टाइप से कंडक्ट की जा रही हैं उसी टाइप से आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। यह हो सकता है कि आपको ऑनलाइन माध्यम से आपको क्वेश्चन पेपर सेंड किया जाए किसी भी फिक्स टाइमिंग पे, और उसके जस्ट 3 घंटे बाद आपसे वह जो आपकी जो आंसर शीट है उसकी कॉपी सोशल मीडिया के माध्यम से, मीन्स व्हाट्सएप के माध्यम से हो सकता है, किसी भी माध्यम से ऑनलाइन वह रिसीव करें। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं है, सभी बातें UGC गाइडलाइन के आने के बाद ही कंफर्म होंगी। लेकिन यहाँ एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्लासेस जो हैं, जिस टाइप से क्लासेस जो ऑनलाइन चल रही हैं उसी टाइप से आपके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन कंडक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर जनरल प्रमोशन की ऐसी कोई भी अपडेट्स अभी तक नहीं आई हैं। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ या फिर किसी भी मेडिकल टिप्स के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।